freshwater ecosystems the lentic ecosystem first the contents the definition of lentic ecosystem vertical stratification in lentic ecosystem primary productivity oxygen supply oligotrophic and eutrophic bodies of lentic ecosystem then the plants and the animal life present in lentic ecosystem so first the, what are the, the definition of lentic ecosystems लेंटिक इकोसिसटम आर एक्चुअली द फ्रेश वाटर इकोसिसटम विद स्टैंडिंग वाटर यानी लेंटिक इकोसिसटम की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है ऐसा फ्रेश वाटर इकोसिसम जो कि स्टैंडिंग पोजिशन पर है जो खड़ा है जो दैट इज नॉट फ्लोइंग दैट विल बी कॉल्ड एज द लेंटिक इकोसिसटम तो इट मीनस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स डिफरेंट्स ऑफ पॉन्ड्स एंड अदर वाटर बॉडीज इन विच द वाटर इज नॉट फ्लोइंगट विल भी द लेंटिक इकोसिसटम इन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में दो तरह के इकोसिस्टम्स हमें मिलते हैं लोटक इको वो हैं जो फ्लोइंग वाटर के साथ हैं जैसे रिवर्स स्ट्रीम्स और सब ब्रूक्स वगैरह जो होते हैं नदी नाले जो हैं ये दिया दुझे दुझे दे आर मेकिंग द लोटक इकोसिस्टम्स वाइल्ड द लेंटिक इकोसिस्टम इज एक् स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम तो ऐसा फ्रेश वाटर जो कि लेक्स की फार्म है या फिर पॉन्ड्स की फार्म है या फिर इस तरह से जो डिफरेंट वाटर ऐसे वाटर बॉडीज है जो जहाँ वाटर खड़ा है दैट विल बी कॉल्ड एज द टिक इकोसिस्टम्स तो द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एलेंटिककोसिस्टम इज़ दिये सर्टिफिकेसनटिकोसटम स्पेशली दो अलेंटिकको सिस्टम इन द टेम्परेट रीजनस टेम्परेट रीजनस ऐसा रीजन है जहाँ बाकायदा वेंटर और समर मौजूद है तो so, जहाँ टेम्परेट रीजन्स के अंदर जो ओलेंटिक वाटर बॉडीज हैं या ऐसे यानी कि लेक्स हैं या फिर पांड्स वगैरह मौजूद हैं दे हैव दर्टिकल सर्टिफिकेसन वर्टिकल सर्टिफिकेसन इस तरह से है कि जो वाटर है इसकी जो टॉप लेयर है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा जबकि जो बॉटम के ऊपर वाटर है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है जैसे अगर हम समर में देखें तो ड्यूरिंग समर द एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज़ हाई तो एन्वायरमेंटल टेम्परेचर का इम्पेक्ट अल्टीमेटली वाटर की अपर लेयर के ऊपर आएगा एंड द अपर लेयर ऑफ वाटर विल आल्सो बी वार्म अप तो अब रिजल्ट ये होगा कि वाटर की जो अपर लेयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और ज़्यादा टेम्परेचर होने का मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी कम हो गई है जब वाटर प्रेजेंट रहता है बॉटम जो बॉटम के अंदर वाटर ऊपर वाटर वाटर मौजूद है दैट इज़ हैविंग लो टेम्परेचर एंड इज़ मोर डेंस तो उसका टेम्परेचर कम है वो डेंस ज़्यादा तो ज़्यादा डेंस होने की वजह से वो नीचे बैठा रहेगा जबकि टॉप लेयर ऊपर रहेगी सो बोथ लेयर्स आर नॉट गोइंग टू मिक्स विद ईच अदर तो जो टॉप लेयर का वाटर है वो नीचे वाले वाटर से मिक्स अप नहीं होगा जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स, गैसेस जो भी चीज़ें हैं वो टॉप लेयर की टॉप लेयर में और बॉटम लेयर की बॉटम में रहेंगे तो so, ये जो वाटर की लेयरिंग है दैट इज़ एक्चुअली द वर्टिकल स्टेटिफिकेशन अब ड्यूरिंग ऑटम कंडीशन रिवर्स हो जाती हैं ऑटम और विंटर के दौरान क्या होगा कि जो टॉप लेयर है जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लो हो जाता है तो टेम्परेचर लो होने की वजह से जो टॉप लेयर है वो ज़्यादा कोल्ड हो जाती है या कह सकते हैं उसका टेम्परेचर ज़्यादा लो हो जाएगा तो दैट विल बिकम मोर डेंस इवन जो नीचे वाला वाटर है उससे भी ज़्यादा डेंस टॉप लेयर वाटर जो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वाट विल हैपन द मोर डेंस वाटर विल सिंक डाउन तो जो ज़्यादा डेंस वाटर है वो क्या करेगा नीचे बैठेगा और नीचे से जो कम डेंसिटी वाला वाटर है वो ऊपर को आएगा तो इस तरह से वाटर जो है वो मिक्स अप होगा तो इसको मिक्सिंग आपको हम कहते हैं इट इज़ अ टर्न ओवर तो जब ये टर्न ओवर होगा तो इससे क्या होगा कि वाटर मिक्स होगा न्यूट्रिएंट्स मिक्स अप होंगे और इसके साथ साथ जब वो गैसेज जो है वो मिक्स अप होंगे तो इससे एनिमल्स जो होते हैं उनको जो बॉटम के ऊपर एनिमल्स हैं उनको भी गैसेज और न्यूट्रिएंट्स जो है वो अवेलेबल होंगे तो नॉर्मली ड्यूरिंग फॉल जो वाटर मिक्सिंग होगी जबकि समर के दौरान जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो होगी द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेंटिक इकोसिस्टम्स तो लेंटिक इको सिस्टम अगर हम देखते हैं इसकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से मुराद वो बायोमैस जो उसके आटोट्राफ्स जो है सेंटिसाइज कर रहे हैं तो वाटर बॉडीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑटोट्राफ्स हैं दे आर द एल जी एल जी हैं सब मर्च प्लांट्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ के प्लांट्स जिन्होंने कैटिक प्लाट्स होते हैं कुछ फ्लोटिंग हैं कुछ होते हैं इमर्ज कर रहे होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो हैं

जो ऑक्सीजन स्ट्रेस को जो वो बियर कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं उसको सरवाइव कर सकते हैं सो मोर द ऑक्सीजन दैट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल ज्यादातर जो ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एल हमारे पास मौजूद हैं और ये जो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं ये आमतौर तो पर टॉप लेयर के ऊपर ज्यादा मौजूद होते हैं यानी कि अपर लेयर्स में मौजूद होंगे तो जो बॉटम के ऊपर जो हो वाटर होगा दैट विल बी मोर डेफिशेंट ऑफ ऑक्सीजन तो बॉटम डिवेलर जो होंगे उनको ऑक्सीजन स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो वो दे शुड दे हैव अबिलिटी टू सर्वाइव विद लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ जो है वो ड्यूरिंग ऑटम जो है वो क्या होगा कि वाटर लेयर मिक्सअप होंगे तो टॉप से ऑक्सीजन जो है वो बॉटम तक पहुंचेगी जबकि समर के दौरान या विंटर में जो वो ये मिक्सिंग जो वो हो, मिनिमम होगी तो अब जो लेंटिक वाटर बॉडीज बार्ट हैं जिनको हम लेक्स कहते हैं तो देर आर डिफरेंट टाइप्स दो मेजर टाइप्स के हमारे पास हैं ओलिगोट्रॉफिक लेक्स एंड द यूट्रॉफिक लेक ओलोट्रॉफिक लेक्स आर एक्चुअली दो लेक्स विच आर न्यूट्रिय पुअर ऐसे लेक्स जिसके न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होगी अल्टीमेटली वहाँ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि वहाँ प्रोड्यूसर्स काम होंगे प्रोड्यूसर्स अगर काम होंगे एल जी काम होगी जो प्लांट्स हैं वहाँ वो एक्टिक प्लाट्स काम होंगे अल्टीमेटली जो वहाँ जो एनिमल लाइफ है वो भी उस हिसाब से क्या होगा रिड्यूस्ड होगी तो कोल्ड वाटर बॉडीज जो डीप मोर डीप एंड कोल्ड वाटर बॉडीज़ आर एक्चुअली द ओलीगोट्रॉफिक लेक्स जबकि इसके मुकाबले हमारे पास दूसरी जगह यू ट्रॉफिक लेक्स हैं या डू यू ट्रॉफिक वाटर बॉडीज़ हैं यू ट्रॉफिक वाटर बॉडीज़ आर दोज वाटर बॉडीज विच हैव मोर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिय जिनके पास न्यूट्रीट अबांडेंट हैं अब न्यूट्रियट अबांडेंट होने की वजह से अल्टीमेटली वहाँ जो प्लांट्स हैं या स्पेशली एल जी जो है वो वहाँ बलूम करेंगे तो अल्टीमेटली जब वो ज़्यादा ग्रो करेंगे तो उससे टाइम्स ये इतने ज़्यादा ग्रो करते हैं कि देर द यूट्रोफिकेशन हो जाती है अगेन यूट्राफिकेशन का भी इफेक्ट रिवर्स होता है कि यूट्राफिकेशन की वजह से एनिमल लाइफ वहाँ से वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन लेंटिक वाटर बॉडीज अगर हम लेंटर वाटर बॉडी की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्लांट्स में अगर हम बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल जी जो कि एल जो है वो प्लैक्टोनिक इन नेचर है बहुत सारे एल जी प्लैक्टोनिक है इन दे फ्लोट विद वाटर वाटर के ऊपर जो क्या करते हैं फ्लोट करते रहते हैं द अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स अगर हम देखें दे आर दी फ्लोटर फ्लोटिंग ऐसे हैं जिनके जो लीव्स फ्लोट करें कुछ एमर्ज हैं कुछ सबमर्ज हैं सबमर्ज प्लांट्स आर वो दो विच आर प्रेजेंट विद इन द वॉटर एमर्ज वो हैं जो वाटर से ऊपर की तरफ निक रहे हैं और फ्लोटिंग प्लांट्स वो हैं जो कि क्या कर वाटर के सर्फस के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर एनिमल लाइफ अगर हम एनिमल लाइफ को देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जू ओपल प्लैंगटनस जिस तरह से फाइटो पलेंगटन हैं एल जो है फाइटो पलेंगटन हैं सिमिलरली स्मॉल जो हमारे पास यूनिशल ऑर्गेनिजम्स हैं मेनली जिसको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं देयर एक्चुअली द जू ओपलेंगटनस हैं तो जूपलैंक्टन आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स आर देयर तो वर्म्स जो होते हैं वो आमतौर तो पर जो है वो नीचे जो है वो इसके अंदर होंगे जो बेंथिक फाना उसको जाओ उसको बना रहे होंगे क्रैब्स आर देयर करे फिश इज देयर श्रिम्प्स मुलोसेक्स आर देयर तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर सर्वाइविंग इन द एलैंटिक लें, इकोसिस्टम